टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। अयोध्या मामले पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी ने हिंदू धर्म गुरुओं और युवाओं के साथ मीटिंग कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। डीएम ने हिंदू धर्म गुरुओं से ये भी अपील की कि वो हिंदू युवाओं को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक राय करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग भी करें। हिंदू धर्म के मुअज्जज लोग अपने अपने समाज के लोगों के बीच जाएं और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करने की अपील करें ताकि जनपद में आपसी सौहार्द बना रहे। अफवाह और अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित करें और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। आज जो डीएम साहब ने और कप्तान साहब ने जो मीटिंग ली है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का नतीजा राम मंदिर के संबंध में आने वाला है, उसके लिए सब लोगों से अमन और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने आग्रह किया है और सभी हिंदू संगठनों ने और हमारे हिंदू जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि पूरे जिले में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने में हम पूर्ण सहयोग करें। तो आप लोगों ने क्या उनको आश्वासन दिया है? हम लोगों ने कह दिया उनसे कि आश्वासन किसी तरीके की कोई भी हमारे निचले स्तर तक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोई इस तरीके की बयानबाजी और कोई आक्रामक रुख नहीं अपनाएंगे। नतीजा अनुकूल आए प्रतिकूल आए जो भी होगा वो सर्वहित होगा और उसका अनुपालन किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी घटना कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो तुरंत उसको अपने हाथ में न लेके प्रशासन को सूचित करें। नहीं, आप लोगों को मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि जो समाज और शासन के समक्ष जो संभावित चुनौतियां हैं अयोध्या मामले से, उसमें शासन के निर्देशानुसार विभिन्न तबके के लोगों और उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर जिला प्रशासन जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर और जरूरत के अनुसार हम समाज के बीच भी जाकर वार्ता कर रहे हैं। तो कल मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता हुई, आज हिंदू समुदाय के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न तबके के लोगों के प्रतिनिधि जो इनके डिफरेंट संघ हैं उनके प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत हुई है। अभी आपने देखा कि अभी हम नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और इस तरह के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता कर रहे हैं। कल का हमारा प्लान है जितने भी मीडिया, प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे जितने बंधु हैं उनसे वार्ता करेंगे। तो समाज के डिफरेंट सेक्शन के लोगों से वार्ता कर हमारी ये कोशिश रहेगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसको शांति और सद्भावपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा और जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए, ये हमारी सतत कोशिश रहेगी। ये जो फैसला आने वाला है उसमें कोई उत्तेजना ना फैले, उसका सब मिल करके व्यवस्था करें, यही समझाया। अयोध्या में जो बहुत दिन से जो मंदिर का मामला लटका हुआ है वो फैसला आने वाला है चाचा 10 दिन में, उसी पर उत्तेजना हो सकती है ऐसा सोच रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था की जाए पहले से कि वो उत्तेजना ना फैले और समाज में कोई असामाजिकता तो सक्रिय ना हो, और ऐसा व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा लगता नहीं है, हमको पहले वाली बात नहीं है, लोग जागरूक हो गए हैं। दोनों समुदायों को अपनी अपनी जिम्मेदारी का कुछ आभास हो गया था। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट न डालें ताकि क्षेत्र में अव्यवस्था न फैले। धर्म गुरुओं ने भी प्रशासन को शांति बनाने में सहयोग का भरोसा दिया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।